नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। लैंडस्केप मामले में गिरफ्तार झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। फिलहाल वे बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद हैं। पीएमएलए कोर्ट में उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने को लेकर ईडी की ओर से अर्जी लगाई जा सकती है। कोर्ट सुनवाई के बाद न्यायिक हिरासत बढ़ाने को लेकर अपना फैसला सुनाएगी। 31 जनवरी को गिरफ्तार किए जाने के बाद से जेल भेजे जाने तक ईडी उनसे 13 दिनों तक लगातार पूछताछ कर चुकी है। रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया था। न्यायिक हिरासत अवधि को लेकर सुनवाई के अतिरिक्त पीएमएलए की विशेष अदालत में हेमंत सोरेन की ओर से एक और याचिका पर फैसला सुनाया जाएगा। यह फैसला उनके बजट सत्र में शामिल होने को लेकर अनुमति से जुड़ा हुआ है। बुधवार को बजट सत्र में शामिल होने को लेकर अनुमति मामले पर सुनवाई के बाद अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाए जाने की बात कही है। बता दें कि 23 फरवरी से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। अदालत में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि बजट सत्र में मनी बिल पास होता है, इसलिए हेमंत सोरेन का रहना जरूरी है। जिस दिन कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था, उस दिन रिमांड को लेकर अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया। अदालत में पेशी के बाद हेमंत सोरेन को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया। पेशी के दौरान ईडी ने 10 दिनों की रिमांड की मांग की। 1 फरवरी को उन्हें अदालत में पेश किया गया। रिमांड को लेकर अदालत ने 2 फरवरी को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने 2 फरवरी को अपना फैसला सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर देने का आदेश दिया। रिमांड की अवधि 3 फरवरी से शुरू हुई, जो 7 फरवरी तक चली। 5 दिन की रिमांड की पहली अवधि खत्म होने के बाद उन्हें 7 फरवरी को ईडी की विशेष अदालत में कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया गया। इस सुनवाई में ईडी की ओर से 7 दिनों की रिमांड की मांग की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 5 दिनों की रिमांड की अनुमति दी। रिमांड मिलने के बाद ईडी की टीम हेमंत सोरेन को अपने साथ लेकर क्षेत्रीय कार्यालय रवाना हो गई। रिमांड की अवधि 12 फरवरी को समाप्त हुई। 12 फरवरी को 5 दिनों की रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद हेमंत सोरेन को एक बार फिर ईडी की विशेष अदालत में लाया गया। इस दिन हुई सुनवाई के बाद अदालत ने हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि और 3 दिन के लिए बढ़ा दी। ये 15 फरवरी तक के लिए हुई। 15 फरवरी को हेमंत सोरेन की 3 दिन की विस्तारित रिमांड अवधि समाप्त हो गई। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को न्यायिक हिरासत में रांची की होटवा जेल भेजा गया। ईडी ने 13 दिन की रिमांड के बाद गुरुवार को हेमंत को कोर्ट में पेश किया। ईडी ने रांची के बड़गाई में 8.46 एकड़ जमीन को लेकर हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें 1 फरवरी को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में पेश किया गया। गिरफ्तारी से लेकर बुधवार तक ईडी ने हेमंत सोरेन से 13 दिनों की पूछताछ की है। 3 बार में ईडी को 13 दिनों की रिमांड मिली थी। 2 बार 5-5 दिन, फिर 3 दिन की रिमांड ईडी को दी गई थी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।